आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं, उसका नाम है उड़ान। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। डॉक्टर मीरा मेहता एक सेमिनार अटेंड करने के लिए दिल्ली से मदुरई जा रही थी। एयरपोर्ट पर चेक इन करने के बाद वह अपना लैपटॉप खोलकर प्रेजेंटेशन की तैयारी में जुट गई। तभी यात्रियों के प्लेन में बैठने के लिए अनाउंसमेंट हुआ और सभी यात्री एक कतार में प्लेन की ओर बढ़ने लगे। डॉक्टर मीरा की यह कोई पहली फ्लाइट नहीं थी, इसलिए वे जानती थी कि प्लेन में जाने की प्रक्रिया क्या है। परंतु बहुत से यात्री प्लेन में पहली बार सफर कर रहे थे और वे लोग रनवे पर दिख रहे एरोप्लेन्स की तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे। कुछ ही देर में सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर व्यवस्थित होने लगे और एयर होस्टेस ने आवश्यक निर्देश दिए। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा और डॉक्टर मीरा भी अपने लैपटॉप पर वापस लौट आई। लेकिन पीछे की सीट से आती आवाजें उन्हें आकर्षित कर रही थी। एक बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक घुंघराले बालों वाला करीब 14-15 साल का लड़का एक वृद्ध महिला के साथ बैठा था और उनकी बातों से लगा कि वे उसकी नानी हैं। शायद इन दोनों की यह पहली हवाई यात्रा है। तभी उस बच्चे का उत्साह और उत्सुकता दोनों ही चरम पर है और उसके विपरीत नानी का डर और चिंता अपने शिखर पर है। नानी डर के मारे लगातार भगवान को याद किए जा रही थी और वह घुंघराले बालों वाला बच्चा जिसका नाम गोलू है, नानी का ध्यान प्लेन में दिख रही चीजों की ओर ले जा रहा था। एरोप्लेन टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू कर चुका था और प्लेन की स्पीड के साथ नानी के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, नानी की डरकर चीख निकल गई। लेकिन तभी गोलू ने नानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, डरो नहीं नानी, मैं आपके साथ हूँ, हमें कुछ नहीं होगा। देखो, हम हवा में ऊपर उठ रहे हैं, ये प्लेन ऊपर जा रहा है। लेकिन नानी ने तो डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। गोलू लगातार अपनी बातों से उन्हें सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही मिनटों में प्लेन ने अपनी निश्चित ऊंचाई ले ली थी और अब वह स्थिरता से चल रहा था। डॉक्टर मीरा ने अपने आसपास नजरें दौड़ाई। ज्यादातर लोग अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए अपने मोबाइल में व्यस्त थे। कुछ लोग खाने पीने में मशगूल थे। एयर होस्टेस सबको पानी और नाश्ते का सामान दे रही थी। गोलू ने उनसे पानी की बोतल लेकर नानी को थोड़ा पानी पिलाया। नानी अभी भी घबराई हुई थी। शाम के करीब 7:15 बज रहे थे और बाहर शाम ढल रही थी, या यूं कहें कुछ अंधेरा ही था। डॉक्टर मीरा भी अपने लैपटॉप पर वापस लौट आई, लेकिन गोलू खिड़की से चिपक कर बैठा था और अपनी नानी को लगातार आंखों देखा हाल बताता जा रहा था। ना चाहते हुए भी डॉक्टर मीरा का ध्यान उसकी आवाज की ओर जा रहा था। नानी, देखो नीचे अंधेरा होने लगा है और हम हवा में ऊपर हैं, तो यहाँ पर ऊपर दिन है और नीचे रात। वो दूर एक सीधी लकीर दिख रही है, वो कितनी सुंदर है नानी। नीचे सब कुछ बिल्कुल काला उस लकीर तक, और फिर उसके बाद रंग, इंद्रधनुष वाले रंग। देखो ना नानी, क्या कमाल का नजारा है। मीरा ने भी खिड़की से बाहर देखा। वाकई इतनी बारीकी से मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। सच में रंग आसमान में कमाल के लग रहे थे। नीचे से बढ़ती काली लकीर के बाद लाल, नारंगी, पीला, हल्का सफेद, हल्का नीला, गहरा नीला और गहरा होता जा रहा था। खूबसूरत, सचमुच खूबसूरत। गोलू की आवाज फिर सुनाई दी। नानी, नीचे जमीन पर सब चीजें कितनी छोटी दिखाई दे रही हैं। नदियां, तालाब, पहाड़ियां, सड़कें, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई है। नीचे जल रही लाइट्स, खूब सारे बल्ब कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्थडे वाला बड़ा सा बलून फोड़ दिया हो और उसमें से रंग बिखर कर ग्लिटर्स नीचे गिर गए हैं। गोलू लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था और नानी को भी दिखा रहा था। वह फिर बोला, नानी देखो ना नीचे, यह लाइट्स
बिल्कुल सितारों जैसी लग रही हैं। जैसे जैसे हम जमीन से आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारों की अलग अलग शेप्स बनी दिखाई देती हैं, बिल्कुल वैसे ही नीचे लाइट से अलग अलग शेप्स बन रही हैं। कहीं एक साथ बहुत सारे तारों का झुंड है तो कहीं इक्का दुक्का तारे। तभी फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुआ कि अगले 10 मिनट में हम लैंड करेंगे। अब फ्लाइट से नीचे मदुरई सिटी की लाइट्स दिखाई देने लगी थी और प्लेन भी कुछ नीचे उड़ान भर रहा था। शहर की रोशनी अब तेज हो गई थी और गोलू की कल्पना की उड़ान भी। वह फिर बोला, नानी नीचे का दृश्य बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम समुद्र के नीचे हो और वहां जगमगाते जीव जंतु जैसे चमकता ऑक्टोपस, सुंदर कोरल्स दिखाई दे रहे हो। गोलू की बातों में खोकर नानी को पता भी नहीं चला कि प्लेन कब लैंड हो गया। जितना डर फ्लाइट पे बैठते वक्त नानी के चेहरे पर था, अब वह बिल्कुल भी नहीं था। गोलू ने उन्हें अपनी बातों में इतना व्यस्त कर लिया था कि उनके मन का डर भी जाता रहा। मदुरई पहुंचकर डॉक्टर मीरा ने होटल जाने के लिए टैक्सी ले ली थी, लेकिन अब भी वह गोलू और उसकी नानी को भूल नहीं पाई थी। डॉक्टर मीरा सोच रही थी कि हमारे आसपास कितना कुछ खूबसूरत होता है, इतना सुंदर कि वह हर बार हमें आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन हम अक्सर उसे ऑब्वियस या जाहिर मानकर उस पर ध्यान ही नहीं देते, जैसे आज फ्लाइट में हो रहा था। इतना कुछ खूबसूरत छोड़कर ज्यादातर लोग अपने फोन, मैगजीन, लोगों की भलाई बुराई करने, खाने पीने में सारा समय बर्बाद कर देते हैं। जैसे आज मैं भी तो लैपटॉप पर बिजी थी। अगर गोलू की आवाज कानों में न पड़ी होती तो मैं भी ये सुंदर नजारे उसकी कल्पना से और उसकी नजरों से कभी नहीं देख पाती। उस प्यारे बच्चे के व्यवहार से आज मुझे इस बात का यकीन भी हो गया कि आज भी हमारी संस्कृति में बच्चों में बहुत संस्कार हैं। तभी तो वह अपनी नानी का इतना ख्याल रख रहा था और समझ रहा था कि नानी को इस यात्रा से कितना डर लग रहा है, लेकिन गोलू ने अपनी बातों से वह डर कम करने का पूरा प्रयास किया और मेरी नजरों में वह 100% सफल भी रहा। आज की उड़ान वाकई यादगार हो गई, डॉक्टर मीरा ने मन ही मन कहा। थैंक यू गोलू, थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आप सबको आज की ये उड़ान? ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।